आंटे नहीं दे रही, कुड़क हो गई हैं। मुझे ख्याल ही नहीं रखता कोई इनका। कितनी बदतमीजी से मुंह पे मार के चली गई है। अच्छा, हमको इसकी चाय के भूखे हैं? इतनी बेइज्जती करके गई है हमारी। और इसमें उसका क्या कसूर है? उसके घर वालों ने यही तरबियत की होगी बेचारी। वो हर कोई फुप्पो जी जैसा थोड़ी है। कैसी अच्छी तरबियत की अपनी बेटियों की। क्यों नुजरत, कुछ गलत कहा मैंने? मैं मर जा। एडी कौड़ी चाह नेम दा काला बनाया के चाय, सारा दूध पत्ती बर्बाद। पता नहीं वो कौन सी बुरी घड़ी थी जब हम इसके घर रिश्ता लेने चले गए थे। काश हमारी जिंदगी में वो दिन कभी आया ही ना होता। बोला भी था दूध और चीनी जरा ज्यादा कर देना, कड़वी चाय। ओ, तो मौसूफ को आ गया ख्याल के पीछे घर पर एक बीवी भी है। क्या पता अभी कुछ बातें सुनानी रह गई हो, शायद वही सुनाना चाह रहा हूं। भाड़ में जाए, मुझे नहीं करनी बात। इनको जुबा करके कोरमा ना बना ले। ना वे, मैं छोटे छोटे चूचे कढ़ाए सन आंडिया तो तुहानू ब्रैलर मंगा देनी आ, ओ पका लो। हैं आए बुड्ढा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जिंदा वास्ता रहो, जल्दी आ गए हो आज। हां जी अम्मी, सर भारी हो रहा था तो मैंने सोचा घर जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूं। चल आ जा मेरा बहू, हैं मैं सिर चास देती हूं। नहीं इतने तो जागीरी दा तेल ले क्या? नहीं नहीं अम्मी, बैठ जाओ। तेल की क्या जरूरत है, अभी जाके गोली खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। हाँ फूफो जी, बीवी के हाथ से गोली खाने का तो मजा ही कुछ और है। क्यों मुराद? नहीं नहीं पिंकी, नहीं पिंकी बेटा, ये आपका गिफ्ट नहीं है, ये मेरे जूते हैं। पिंकी, अब वो अम्मी एक नंबर छोटा आ गया था तो बदल के लाया। वहाँ हाँ केड़ा ही? देखे तू है, आपने शादी पर आप ही के साथ तो लेकर आया था। मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट कर। फुर्तियां चेक की है इसकी? आहो, ऐसे भागता है माँ से जैसे माँ ने कैद किया हो। एक मिनट नहीं है अब इसके पास मेरे लिए। अम्मी अब अगर आप इतनी छोटी छोटी सी बातें पकड़ने लगी ना तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आप ही रोटियां बना ले। चौपड़ी चौपड़ी रोटी बना ले मेरे लिए, भूल गया था मैं मंतू। अभी तक नाराज हो तुम्हें इससे क्या? खुश तो रहने देते नहीं हो, कम से कम नाराज तो मुझे अपनी मर्जी से रहने दो।
अब तो नाराजगी खत्म कर दो यार। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती, तो इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं, दिल बड़ा करना इसको। तुमने बहुत गलत बात की थी मुराद। बात गलत नहीं की मैंने, मेरा अंदाज गलत। मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें आराम से समझाना चाहिए, लेकिन मेरा तुम्हारे बड़े भाई के बिहेवियर की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि किसी के भी दरमियान में आने से हम लड़ पड़ेंगे? ये सवाल खुद से भी पूछो मैं। हम दोनों को इस बारे में सोचना हो, अगर एक बार फिर सेपरेशन हो गई तो शायद वापसी का रास्ता ना बचे। पप्पू जी, जब से मुराद की शादी हुई है तब से आपके चेहरे पे ना एक अजीब सा खौफ नजर आता है मुझे। सारा किया धरा मुराद का है, मैंने तो अपने सर पर हाथ रखवा कर कसम खिलवाई थी उसको कि जब भी शादी करेगा मेरी मर्जी से करेगा, कि मेरी ही पसंद से की और ऊपर ऊपर से अंदर से अपनी ही पसंद की देकर आया है। पप्पू जी, आप उसका रिश्ता मांगने ना अभी जाती तो क्या, मुराद बारो बार निकाह के दो बोल पढ़ा के उसे घर ले आता, फिर आप और मैं क्या कर लेते? करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, अब भी कर सकती हूँ। बस ये सोचकर मैं चुप कर जाती हूँ कि अगर बीवी की बातों में लाकर उसने बहनों की जिम्मेदारियों से हाथ उठा लिया तो फिर मजबूर हूँ मैं, और कोई वजह नहीं है, सिर्फ मजबूरी है, बेटियां हैं मेरी जवान। ना पप्पू जी, आप इतनी भी मजबूर नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में ही है, अगर आप ठीक से सोचे तो। तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं चाहती? मैं पहले दिन से हमारे रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम खुद ही देखो हमें टाइम ही कहाँ मिलता है एक दूसरे के लिए, और जब टाइम मिलता है तब तुम ऑलरेडी अपनी अम्मी की और बहनों की बातें सुन सुनकर बहुत अपसेट हो चुके होते हो। देखो, अब तुम्हें ये बात बुरी लगे या अच्छी जो भी है, आई रियली थिंक हमें हनीमून पर जाना चाहिए। देखो, वी कैन गेट सम टाइम ऑफ ना। या तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रही, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, मेरे एक्सपेंसेस पर, चंदा लेकर नहीं। देखो, तुम फिर गलत बात कर रहे हो। जब मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं कह सकती तो तुम भी मेरे भाइयों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। जिसे तुम चंदा कह रहे हो वो मेरे भाइयों का गिफ्ट है मुराद, और मुझे तो ना अब लगने लग गया है कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कसम दी हुई है कि तुम हनीमून पर नहीं जाओगे। तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां निभाना है, मैं इसमें कहां एग्जिस्ट करती हूं? और अगर कहीं नहीं करती ना, तो फ्रैंकली स्पीकिंग तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी।
फूफो जी, ये जूते तो सारे बिखर ही गए। चलें आप ही दवाई खा लें। और जो नहीं खा रहे, नींद की गोली है, 3 दिन से जाग रही हैं आप। अगर आज भी नींद ना आई तो क्या होगा? मर तो नहीं जाऊंगी मैं। मुझे पागल समझ के दिन रात नींद की गोलियां देके सुलाना चाहते हो? पागल हूं ना मैं? एक काम करो, मेरे पैरों में बेड़ियां डालो, मुझे स्टोर में ले जाके बंद कर दो। शादी तो नहीं होने वाली, पीछा तो नहीं छूटने वाला तुम लोगों का। किसी ने नहीं कहा कि आप पागल हैं। क्यों सोच रही अपने बारे में इस तरह? देखिए, साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का ये मतलब तो नहीं कि आप पागल हैं। थोड़ी बहुत एंजाइटी है जो हर किसी को हो सकती है, आपको हो सकती है, मुझे हो सकती है। इस तरह दिन रात जागेंगी सोचेंगी तो अपनी तबीयत खराब करेंगी। होने दो, किसी को जरूरत नहीं है मेरी। कोने में पड़ी रहूंगी, बेकार सा वजूद है मेरा। जाओ यहां से। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा चलो करते हैं कुछ इसका, हाँ मत परेशान। ओके बाय। Hi. Hey. All good? पता नहीं यार, मन्नत का फोन था। She seemed a bit upset. Love, marriage or upset? शादी करना और निभाना दो डिफरेंट चीजें होती हैं। ये बात तो मैं जान चुका। मैं अपनी सिचुएशन से कंपेयर ना करना शुरू हो जाओ। They're entirely different. I think they're quite similar. They're not similar at all. तुमने शादी सोच समझ के की। You put a lot of thought in. मन्नत को तो बैठे बिठाए कुछ भी पसंद आ जाता है, और फिर उसको वो उसी वक्त चाहिए भी होता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक हुई है, उसके बावजूद इतनी प्रॉब्लम्स हो रही। It's beyond me. I think Murad's a good guy. It's just that उनकी personality is different. Personality भी different है और हालात भी favorable नहीं है। That bad, eh? Seems like it. आपको ने समझाना चाहिए। मुझे और सामिया को तो हमेशा लेक्चर्स देती थी आप। Yeah, and that worked out really well, didn't it? I mean, I'm happy. Sure you are. आप बिल्कुल ठीक कह रही थी भाभी, फजीलत आप ही को ट्रीटमेंट की जरूरत है। नींद की गोलियां अब उनके मसले का हल है। देखो मैं सिर्फ मशवरा दे सकती थी, अब इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकती। आई ऑनेस्टली थिंक इस घर के माहौल का बहुत बड़ा हाथ है उनकी एंजाइटी। शादी होना या ना होना वो मैटर नहीं करता। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो शादी के बाद भी इतने स्ट्रेस में होती हैं। खुश रहना इम्पोर्टेंट है, खुशी का ताल्लुक सिर्फ शादी से नहीं है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मैं एक फालतू इंसान। फदीला तापी के बाद अब मेरा नंबर है साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का। अगर ऐसी फारिग बैठी रहोगी तो मे भी यस, बट I do think कि तुम्हारी कुछ रूटीन होनी चाहिए। Should do something. रूटीन पता है आपको एक ट्रैक पर ले आती है। तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो। अगर तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम जॉब करो तो तुम जॉब करो, या फिर ऐसे ही आउटिंग के लिए बाहर चली जाओ।
अम्मी को नहीं जानती हूँ। जॉब करना, लड़कियों का बाहर निकलना, घूमना फिरना अम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन तुम जब तक किसी को बताओगी नहीं कि तुम क्या सोचती हो या अपना ओपिनियन शेयर नहीं करोगी तो किसी को क्या पता चलेगा कि तुम क्या फील करती हो। देखो, इंसान अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए खुद ही स्टैंड लेता है। That's how it is. अपनी अम्मी से बात करके देखो, एक दफा उन्हें समझाओ, I'm sure वो समझ जाएं। Hello. Hi. हैप्पी बर्थडे। ये आपके लिए गिफ्ट, एक मेरी तरफ से और एक मुराद अंकल की तरफ से। मुराद अंकल नहीं आए? उनको काम था ना आज ऑफिस में बहुत ज्यादा, बट वो आएंगे मुझे पिक करने के लिए। थैंक यू बोलो पप्पू को। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। आप इतने दिनों बाद आई हैं। मैं नाराज हूँ आपसे और मुराद अंकल से। क्यों? ठीक ही तो कह रहा है बच्चा, मेहमानों की तरह आती और मेहमानों की तरह चली जाती। भैया इतने दिन रह के तो गई है, कुछ दिन तो रहने दे ससुराल में। सभिया कौन सा अपनी खुशी से आई थी, वो छोड़ के गया था इसे, उसे तो एहसास भी नहीं था कि बेबी यहाँ बैठी। उसका बस चले तो। भैया जाने देना, बात खत्म हो गई है। नहीं खत्म होती ऐसी बातें, ये मसले बाद में फिर सर उठा लेते हैं। भैया मेहमान इंतजार कर रहे हैं, केक काट लें। केक? चलो चलो केक काटते हैं। इधर मेरा और मायरा का घर बर्बाद हो रहा है, लेकिन जनाब अपनी बीवी को लेकर अलग घर में शिफ्ट होने का मंसूबा भी बना चुके हैं। तो और क्या करूं, अपनी बीवी और ससुराल वालों के साथ कब तक लड़ूं, क्यों लड़ूं? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मायरा, मेरा भाई सिर्फ तुमसे प्यार करता है। तुम्हारा ये रिश्ता खत्म हो जाए तो तुम मेरे भाई आते से शादी कर लो। आप एक बहुत अच्छे इंसान है, मेरे लिए इतना कुछ सहा है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए इंतजार करें। आप प्लीज शादी कर लें। तारा टूटा टूटा सा। तुम जब तक किसी को बताओगी नहीं कि तुम क्या सोचती हो या अपना ओपिनियन शेयर नहीं करोगी तो किसी को क्या पता चलेगा कि तुम क्या फील करती हो। पिंकी ही जाकर देख रहा हूँ, जरने जाग रही है, सो गई है। सो रही है जी। जो लग रहा है वो जाग गई है। जा देख कर। हैं?
आप फैसल भाई का फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? कितनी बार फोन कर चुके हैं? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये मेरा फैसल का पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मत पड़ो। माना आपसे छोटी हूँ, लेकिन समझा तो सकती हूँ ना आपको। आखिर आप हमारे घर में रह रही हैं। लेकिन मेरी एक बात ना तुम कान खोल के सुन लो, ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा भी घर है। और जब तक मेरी माँ जिंदा है ना, मुझे यहाँ आने से और रहने से कोई रोक नहीं सकता। तो रोका किसने है आपको? लेकिन आखिर कब तक रहेंगी आप यहाँ? जरनेश को फैसल भाई की जरूरत है। और आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो आप अपना सारा सामान पैक करके यहाँ आ गई? बताती हूँ मुझे। अम्मी बस कहीं लगी। क्या बात है, इतने इतने रो क्यों रही हो बेटे? ये देखा, लगता है फैसल का एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह ना करे शौकत भाई। अम्मी निक्की को देखे, मुझसे कहती है मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ, मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। बस इसी बात का डर था फुप्पो जी। अब अगला सवाल हमसे ही होगा। ये दिन भी देखने रह गए थे। किसी की क्या मजाल है जो तुमसे सवाल करे है? मेरा घर है, मैं इस घर की मालिक हूँ रजिया सुल्ताना। हिया नहीं आंदी तेन भैन गल्ला लानी है? कुछ भी नहीं कहा मैंने, इन्हें सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। आखिर मेरी भी कुछ राय है कि नहीं? है? नहीं, ये निगी नहीं बोल रही फुप्पो जी, ये इसके मुंह में ना किसी और की जबान बोल रही है। बेशक आप पूछ ले। चमड़ी ला देनी है मैं तेरी, याद रखी। बदल गई हो मन्नत। रियली? हाँ, चुप चुप रहने लग गई है। पता नहीं, शायद मुझे लग रहा है। तुमने सुना नहीं है, ससुराल जाकर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ऐसा नहीं है, बट शादी के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस तो आती है ना, तो बस मैंने भी खुद को थोड़ा बदल लिया। कुछ ज्यादा ही बदल लिया, मगर मुझे ये बदली हुई खामोश चुपचाप रहने वाली मन्नत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मुराद तुम्हें ऐसे पसंद करता है। मन्नत, तुम मुराद के साथ खुश तो हो ना? हाँ, ऑफ कोर्स। मुराद आ गया। एक्सक्यूज मी। चले, हाथ को विश तो कर दो। चलो, गम कैसे आप? ठीक है, ऑल गुड। आप ठीक है? आहद अंदर। चलो मैं आई हूं। तुमने बताया नहीं कि हम आते हैं पर सेकंड हो रहा है। मुझे खुद नहीं पता इस बात का। आदिल भाई ने बताया। हो सकता है उसकी मर्जी। ठीक ठाक कमा के है बस। शिकार देख के तो
तुम्हें गाड़ी चिटारा लग रही होगी। गाड़ी से मेरा क्या लेना देना, मैंने तो नोटिस भी नहीं किया। वैसे इसकी कार नजरअंदाज करने वाली तो नहीं, लड़कियों को तो वैसे लग्जरी कार्स बहुत अपील करती हैं। लेकिन मैं आम लड़की जैसी नहीं हूँ, और ये बात तो तुमने हमारी पहली मुलाकात में ही नोटिस कर ली थी। लेकिन क्या करूं, मैं तो आम मर्दों जैसा हूँ। कोई खास लड़की की आम लड़के से कैसे निप सकते। मुझे अपने लिए कोई आसमान से उतरा हुआ लड़का नहीं चाहिए, एक आम लड़के से अपने लिए छोटी छोटी खुशियां चाहिए। दे सकते हो? आ गई हो सैर सपाटे करके? फिर सैर करने के लिए नहीं गई थी, आहत की बर्थडे थी, आपको बताया था वहां जा रही हूँ। एहसान किया था बताया था, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम मुझे बताओ, सरबराह हूँ मैं इस घर की। मम्मी जब आपको बताकर गई है तो ये सवाल जवाब क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहे। तेरी समझ हूँ कुछ नहीं आना बाऊ, तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं अब। लेकिन मैं इस लड़की से पूछना चाहती हूँ कि चलो ठीक है, मेरे बेटे की अकल पर तो तुमने पर्दे डाल दिए हैं और मैंने बर्दाश्त कर लिया है, अब ये तुम मेरी बेटियों को क्यों भड़का रही हो, क्यों अपना जहर मेरी छोटी बेटी के दिमाग में डाल रही हो, अपनी बहनों के खिलाफ क्यों फोटे डाल रही हो इनमें? अब भाभी आप प्लीज आप अपने कमरे में चली जाएं। भाई आप उनको पर... रुक जाओ, मैं क्यों जाऊं, मैंने किया क्या है जो मैं छुपती फिरूं? मैं बताती हूँ तुमने क्या किया है, मैं बताती हूँ। पहले तुमने मेरी बड़ी बेटी फजीलत के ऊपर पागलपन का ठप्पा लगाया है, हैं? अब तुम मेरी छोटी बेटी को उकसा रही हो, अपनी बड़ी बहन इतरत के खिलाफ आड़े लगवा रही हो, उसको कह रही हो कि पूछे कि वो इस घर में क्यों रह रही है, मेरी बेटियों में फूट डाल रही हो तुम अब। अम्मी आपको कोई जरूर गलतफहमी हुई है, मन्नत कभी। मुराद एक मिनट, आंटी मुझसे बात कर रही है ना, मुझे कर लेने दो। आंटी देखिए, पहली बात मैंने निगी को भड़काया नहीं है, दूसरी बात हाँ अगर मेरी किसी बात के नतीजे में उसने अपनी बहन से कोई बात की है, उसकी हमदर्दी में ही की होगी ना, क्या पता वो ये चाहती हो कि उसकी बहन इतरत आपी किसी बेवकूफी में अपना घर ना खराब कर बैठे। लेकिन आपको तो निगी नजर ही नहीं आ रही, किसी को समझ ही नहीं आ रहा, हद होती है जहालत की यार। आकड़ वेखी हूँ मैडम दी, आकड़ वेखी हूँ। अम्मी गुस्सा तो आएगा ना उसे, जब उस पर गलत बात हो भी जाएगी। बल्ले बल्ले मां दे रन मुरीद जट्टा, क्या बात है तेरी, हैं? बीवी दी हमाता करन दिया दे, बेशर्मा बेहयावा, शर्म नहीं आंदी मां दे नाल आडे लानर। जब मैंने आपसे कहा था अम्मी के भाभी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया पढ़ाया, इन सब की बातों पे भाभी को बातें सुनाने की क्या जरूरत थी? ये तो करेगी अपनी भाभी की हिमायत, इस बेचारी की तो मजबूरी है, उसका छोटा भाई। खबरदार अगर एक लफ्ज भी बोला तो अपनी और आपकी जान एक कर दूंगी, हल्का ना लेना मुझे, अगर आप अम्मी की बेटी है ना तो मैं भी उनकी औलाद हूं। What? You're seeing someone? मजाक तो नहीं कर रहे? मैं क्यों मजाक करूंगा आपसे, मन्नत तो अब यहाँ पे है नहीं, तो आपको ही मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, आगे पीछे तो कभी कुछ बताया नहीं, अब हेल्प चाहिए तो भाभी याद आ गई। चलो ये बताओ, डू आई नो हर? कह सकते हैं। क्या साथ मुफ्त का सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो, पहेलियां मत बुझवाओ, बताओ भी सही। अच्छा मैं बता दूंगा ना आपको, लेकिन आप प्रॉमिस करें बड़े भैया और आदिल भाई से आप इसके बारे में बात करेंगी। इसमें क्या टेंशन है, अभी कर लेते हैं। Why waste time? Really? Come, come. On. Yes. इतनी काली की है, हौली हौली खा। हाँ खा रहा हूँ अम्मी, देर हो गई है मुझे, बस
लस्सी तो पी के जा, कल में छट गया सर। मुराद मुझे प्लीज रास्ते में ड्रॉप कर दोगे? यार तुम्हारा घर बहुत आउट ऑफ द वे पड़ेगा, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। नहीं तुमने मुझे घर नहीं ऑफिस ड्रॉप करनी। ऑफिस? कौन से ऑफिस? वहीं जहां मैं शादी से पहले काम करती थी। शादी के लिए लीव ली हुई थी, अब वो खत्म हो गई है तो वापस जाना है। चलें? सुन ला, तुम्हारी भाभी ने नया प्लान बनाया है। कौन सा प्लान? अब कौन सा प्लान बना लिया है? मुराद मुझे देर हो रही है, कैन वी प्लीज लीव? मतलब मेरी, हम रास्ते में भी बात कर सकते हैं, यहाँ सबके सामने बात करना जरूरी है क्या? एक मिनट, ये जा कर रहे हैं सुबह सुबह, तुम मुझे ड्रॉप कर रहे हो या मैं खुद कैब करवा लूं? आए मैं मर जाऊं, हुण ऐ दिन भी मैंने बहाना सी हैं, चौधरियां दियां तियां पैणा हुण इस तरह कलियां जान दियां दफ्तरां च। दफ्तर? मन्नत दोबारा दफ्तर जाइए? मुराद बताया नहीं? क्या बताता मैं आपको, मुझे खुद अभी पता चला। चलो अभी भी पता लग ही गया, शुक्र है। तोर फिड़े मुंह तेरी मर्दानगी दा, अब तक बीवी ने छुपाया हुआ था। मैंने छुपाया नहीं है उससे, बस हमें वक्त नहीं मिला इस चीज को डिस्कस करने का। मुझे मुराद कल रात ही कॉल आई है, एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, उन्होंने मेरी लीव कैंसिल कर दी है, अब जाना है मुझे वापस। प्लीज चलें हम। नहीं अभी तुम ऊपर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। मुराद मन्नत तुम कहीं नहीं जा रही, हम रात में बात करेंगे। नहीं भी नहीं, हरगिज नहीं, ये लव मैरिज वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना। पहले कुछ बन के तो दिखाए, पैरों पे तो खड़े होके दिखाए। भैया मैंने भी एग्जैक्टली यही कहा था इसे। मगर भैया शायद इसको ये डर है कि उस लड़की के पेरेंट्स उसकी शादी कहीं और ना कर दें, शायद उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं कोई। कौन है भैया ये लड़की? आदिल, तुम जानते हो उसे? भैया मुझे तो कुछ भी नहीं पता, नो आइडिया। अब की बार अगर हमसे किसी ने झूठ बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बताए दे रहे हैं। भैया प्रॉमिस, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, इसने सिर्फ शादी का इजहार किया है मुझसे, बाकी आपके सामने बैठे आप खुद ही पूछ लें। देखो भाई ये बात कहने की नहीं है, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों से तुम सबको जोड़ के रखा, अब बहुत सोच समझ के साथ का रिश्ता तय करेंगे, जैसे तुम दोनों का किया माशाल्लाह। सबिया पर तो फखर है मुझे, कैसे जोड़ के रखा है इसने हम बहन भाइयों को। भैया ये भी तो हो सकता है ना कि जो लड़की साथ को पसंद है शायद मुझसे भी बेहतर बहू साबित हो। अरे सबिया तुम तो वैसे ही बहुत खुशगुमान वाकया हुई हो, लेकिन आजकल का दौर फ्रॉड और धोखे का दौर है। लोग बज़ाहिर बहुत शरीफ और खानदानी महसूस होते हैं, लेकिन अंदर से गुंडे बिल्कुल गैर खानदानी साबित होते हैं। अपने मन्नत के ससुराल वालों को देख लो, दूर किया जाना। भैया बात करने में, लड़की से मिलने में कोई हर्ज तो नहीं है? फिर ढाक के दो पास, अरे भाई कह दिया हमने, कोई मूड नहीं है, कोई इरादा नहीं है फिलहाल साथ की शादी करने का। पहले अपने पैरों पे खड़ा तो हो जाए, अरे साबित करे अपने आप को, ना घर में इंटरेस्ट है इसका ना बिजनेस में, वो डोमेस्टिक मैचों में दो चार छक्के क्या लगा दिए, सुपर स्टार समझने लगे साहबजादे अपने आप को, आज टीम में है कल बाहर। भाई अभी से शादी करके नौबियाता बीवी के नखरे उठाएगा तो करियर पे कैसे तवज्जो देगा बताओ? अरे समझाओ ये घर के बाबर आजम को, जाओ सबिया जी।
हाल तुम भी कमाल करते हो, मतलब हाला शेरी दे रहे हो, हम मना कर रहे हैं उसे, लड़की को देख लेते हैं जाके। साद, 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 रुको तो, रुको, मेरी बात तो सुन लो प्लीज। रहने दे भाभी, बड़े भैया के साथ ना कोई प्रॉब्लम है, मुझे पता था इसी तरह ही रिएक्ट करेंगे, खुद शादी की है और ना मेरी होने देंगे। देखो अब ये गलत बात है, मेरी और आदिल की शादी भी तो उन्होंने करवाई है। जी मजबूरी में, घर चलाने के लिए उन्हें किसी की जरूरत थी, बिजनेस चलाते या घर संभालते, उस मजबूरी में ना आप दोनों का फायदा हो गया। अच्छा तुम गुस्सा ना करो ना, मैं करती हूँ उनसे दोबारा बात। रहने दे भाभी, उनका जवाब फिर भी ना होगा, जाके बता दे उन्हें जब मैं इस मुल्क का सदर बनूंगा ना तो खुद जाके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरी शादी करवा दें। साथ, साथ मेरी साथ मेरी क्या हुआ भाई, क्यों इतना आंधी तूफान बने हुए हो? जाने दो यार, क्या हुआ, लगता है किसी ने अपसेट किया। क्या नाम है उसका? मैं ठीक करता हूँ। अगर तुम ठीक कर सकते ना तो यहाँ पे अकेले ना फिर रहे होते। साथ, that is so unfair. It's okay, Abhi. I'll take care of this. अब रिलैक्स करो। इसको देखूं, भैया को देखूं, क्या करूं, मैं क्या करूं यहाँ पे? मुराद, इसमें क्या बुराई है अगर मन्नत अपनी जॉब कंटिन्यू रखना चाहती है? मुराद, मुझे तुमसे ऐसे ओल्ड फैशन सोच की उम्मीद नहीं थी। नहीं, क्या ओल्ड फैशन सोच यार, हम लोग इतने मॉडर्न नहीं हुए कि बिना किसी से पूछे तैयार होके मैडम साहब घर से बाहर निकल जाए जॉब करने के लिए और फिर ये एक्सपेक्ट करें कि किसी का कोई रिएक्शन नहीं आए। मुराद, उसे जॉब की जरूरत होगी, उसने बताया था मुझे कि शादी के बाद तुम्हारे पास उसे हनीमून पे ले जाने का बजट नहीं था।